हमने इस जीवन के सफर को प्यार के साथ तय करना है। हमने हरगिज नफरतों से नहीं जीना है और प्यार का जहान हमने आबाद करना है। प्यार की कमी संसार में है, इस कमी को हमने पूरा करना है। तो ये जीवन जीने का ढंग, ये सलीका, ये संतों गुरु पीर पैगंबरों ने इंसानों को प्रदान किया, तो आज भी उसी की महत्ता जानते हुए आप इसी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। मानवता और इंसानियत का दामन मजबूती से थामे हुए हैं। इस मानवता और इंसानियत का दामन छोड़ा नहीं है और यही मानवता इंसानियत का दामन मजबूती से पकड़ने का मतलब कि सच्चे धर्म का दामन थामे हुए हैं। सच्चे धर्म की पहचान मानवता ही है, इंसानियत ही है। इससे हटकर कोई भी परिभाषा नहीं है धर्मों की। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रेरणा प्राप्त करने के बाद अब आगे बढ़ना होगा और आगे है हमारी सदगुरु माता जी। जी हाँ, सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के संक्षिप्त प्रभावशाली संदेश पूरे निरंकारी जगत को आज पुनर्जीवन दे रहे हैं। तो चलिए मिलकर उस रूहानी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं अपने अगले सेक्शन में, जिसका नाम है सदगुरु आशीष। सदगुरु द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं को एक नई गति देते हुए सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज 4 अक्टूबर 2017 को दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी से पंजाब जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ते में दर्शन के लिए लालायित भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए सदगुरु माता जी चंद पलों के लिए पंजाब के राजपुरा में रुके। तत्पश्चात शाम को लुधियाना के भारत नगर सत्संग भवन पर आगमन हुआ। यहाँ पर श्रद्धालुओं को माता जी ने चरणों पर नमस्कार का अवसर देकर निहाल कर दिया। अगले दिन 5 अक्टूबर को सत्य का ये कारवां संगोवाल में उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर एक नया भव्य सत्संग भवन बना था। भवन के समीप ही विशाल ग्राउंड में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम सदगुरु माता जी का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ। यहाँ पर भक्तों ने हर्षित मन से सदगुरु माता जी का स्वागत किया। माता जी ने नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात सदगुरु माता जी का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ। सदगुरु माता जी जब आसन पर विराजमान हुए तो कई कई पंक्तियों में भक्तजन नमस्कार के लिए आगे बढ़ने लगे। सत्संग कार्यक्रम में मंच से हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं में सत्य का संदेश दिया गया। सभी के मनों के उद्गार श्रवण करने के उपरांत सदगुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा, साथ संगत जी, ज्ञान लेने के बाद हम इस निरंकार विशाल प्रभु परमात्मा से जुड़े हैं और हमें यह भी पता है हर व्यक्ति में इसका एक अंश है। हम ये कभी ना भूलें, हर गुरुमुख इस प्रभु परमात्मा का रूप है। सत्संग कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सदगुरु माता जी जब सत्संग भवन की बालकनी में आए तो दर्शन कर श्रद्धालु भक्त निहाल हो उठे। तत्पश्चात देर रात सदगुरु माता जी का आगमन अमृतसर सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर सत्संग भवन के प्रांगण में हजारों की संख्या में भक्तजन एकत्रित थे। भक्त और सदगुरु किसी को भी ना तो आराम की फिक्र थी और न ही रात गहराने की परवाह। देर रात तक ये भक्ति में सिलसिला चलता रहा। अगले दिन अमृतसर के एक विशाल खुले ग्राउंड में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जब सदगुरु का आगमन सत्संग स्थल पर हुआ तो भक्तों ने भावपूर्ण ढंग से अपने सदगुरु की अगवानी की। आए हुए श्रद्धालुओं ने भिन्न भिन्न भाषाओं में अपने भाव सदगुरु माता जी के चरणों में व्यक्त किए। सत्संग कार्यक्रम के अंत में समस्त मानवता को संबोधित करते हुए सदगुरु माता जी ने कहा, साथ संगत जी, बाबा जी के साथ अनेकों वर्षों से आपके पास अमृतसर आने का मौका मिलता रहा और आप सब महापुरुषों को बाबा जी का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहा। साथ संगत जी, जो प्यार बाबा जी ने सबको दिया इतनी विशालता के साथ, वो प्यार हमने सिर्फ अपने तक नहीं रखना, उसी विशालता के साथ हमने इसको आगे बांटना है। अगले दिन 7 अक्टूबर को दयालु सदगुरु माता जी ने अमृतसर सत्संग भवन पर एकत्रित भक्तों को दर्शन व आशीर्वाद प्रदान किए और फिर यहां से आगे बढ़ चले।
इसी प्रकार रास्ते में अनेक स्थानों पर रुककर सद्गुरु माता जी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए जालंधर पहुँचे और यहाँ पर निर्माणाधीन सत्संग भवन पर उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया।